हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है। अगर हम कोई बॉडी की बात करें, किसी पार्टिकल की बात करें, किसी मास की बात करें, तो वो मास, वो पार्टिकल, वो बॉडी अपने चारों तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, एक रीज़न क्रिएट करती है। जहाँ पर कोई हमने पॉइंट मास, टेस्ट मास रखा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है। तो वो रीज़न, वो स्पेस, जहाँ जहाँ वो पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, उस पूरे रीज़न को, उस पूरी जगह को, उस पूरे सराउंडिंग को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को मेज़र करने के लिए हमारे पास में एक पैरामीटर होता है, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास पैरामीटर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक मिनट हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। जेई एडवांस का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड द रेडियस ए इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव टू द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड द रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ रिंग। ओके, द सेंटर ऑफ रिंग इज एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम द स्फीयर। रिंग का जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से 3a डिस्टेंस पर है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर ऑन रिंग। तो हमारे पास में एक यहाँ पर स्फीयर है, और एक स्फीयर का जो रेडियस है वो a है, और हमारे पास एक रिंग है। एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है कि रिंग इज प्लेस्ड अबव द स्फीयर, स्फीयर इज प्लेस्ड अबव द रिंग। तो यहाँ पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिए हैं। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 3a गिवन है, और यहाँ पर रिंग का जो रेडियस है वो भी a गिवन है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर, अब हमको फाइंड करना है कि ये जो स्फीयर है ये रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा, पर हम अपोजिट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है ये कैपिटल एम मास का एक स्फीयर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और जितना फोर्स स्फीयर पर लगेगा उतना ही फोर्स रिंग पर लगेगा। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करेंगे आई। ओके, और इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर is equal to g into small m, okay, into x divided by x square plus r square raised to power 3/2, okay, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3a, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, I is equal to हो जाएगा g small m into 3a divided by ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस a स्क्वायर रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, तो ये हमारे पास में फार्मूला आया, इसको हम आगे लिखेंगे 3g स्मॉल m इंटू a डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास में 10a स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ओके, अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स होगा कैपिटल m इंटू i, क्योंकि I पर कैपिटल M रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर I इंटेंसिटी पर कैपिटल M मास रखा हुआ, तो फोर्स I इंटू M होगा। और यहाँ पर अगर हम M का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट टू पावर 3/2, तो 10 रूट 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर A, यहाँ पर हम लिख सकते हैं A स्क्वायर, सो इट विल बिकम a क्यूब, है ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर से हम क्यूब को कैंसिल करें, 1/2 को कैंसिल करें, तो अल्टीमेट हमारे पास में आंसर आ जाएगा g 3g कैपिटल m स्मॉल m इंटू a डिवाइडेड बाय 10 रूट 10 इंटू a, एक ये कैंसिल होके a स्क्वायर बचेगा, सो दैट इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।